एमोलेड सुपर एमोलेड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना कि कौन सा यहाँ पर है और क्या है नहीं है। तो भैया हम यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे, तो आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर सुपर एमोलेड और एमोलेड है क्या, और सबसे बड़ी चीज़ कि एमोलेड का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल गैजेट ज्ञान पे। तो चैनल पे यहाँ पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस रेगुलरली हमारे वीडियोस के मिलते रहे। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर एमोलेड, एमोलेड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये एमोलेड है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। जी हाँ, एमोलेड का फुल फॉर्म यही होता है, एक्टिव मैट्रिक्स लाइट एमिटिंग ऑर्गेनिक एमिटिंग डायोड। तो AMOLED, अब सुपर एमोलेड क्या है। अब दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही यहाँ पर एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मोबाइल फोन्स में और टीवी में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं सुपर एमोलेड की अगर हम बात करें तो ये एडवांस्ड है, एमोलेड से ये एडवांस्ड है। अब कैसे एडवांस्ड है ये भी जानना आपको ज़रूरी है। एमोलेड यहाँ पर जो है एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पर IPS LCD से अबव वर्जन है। वहीं सुपर एमोलेड एमोलेड के भी ऊपर है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। सुपर एमोलेड में आपको यहाँ पर टच और डिस्प्ले का जो पैनल होता है, जो डिस्प्ले आप देखते हैं जो मोबाइल फ़ोन पे, आप जो टच करते हैं जो रिस्पॉन्स मिलता है, यहाँ पर सुपर एमोलेड में दोनों का इंटीग्रेशन है। मतलब एक सिंगल लेयर में आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी मिलता है और टच सेंसर्स जो होता है वो भी साथ हैं। तो सिंगल लेयर का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है, डुअल लेयर नहीं मिलता है। आपको अगर पता होगा IPS LCD में वहाँ पे दो अलग अलग होते थे, टच सेंसर्स अलग होते थे, डिस्प्ले अलग होता था। पहले डिस्प्ले लगता था अगर टूटता है या खराब होता है, उसके ऊपर लगता था ये हमारा सेंसर, यहाँ पे टच वाला पैनल लगता था। तो काफ़ी बार बोलते थे डिजिटाइजर खराब हो गया, तो डिजिटाइजर अलग आता था, डिस्प्ले अलग आता था। तो यहाँ पर सुपर एमोलेड में आपको दोनों साथ में एक ही इंटीग्रेटेड सिंगल लेयर में मिलता है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। अब आगे यहाँ पर और प्लस पॉइंट्स की बात करें तो सुपर एमोलेड में आपको 20% यहाँ पर ज़्यादा ब्राइटनेस आपको देखने को मिलता है, जो कि ब्राइटनेस यहाँ पर आपको अगर बोलूँ तो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा देता है। वहीं पर 20% यहाँ पर ज़्यादा एमोलेड के मुकाबले, और एमोलेड के मुकाबले मैं बात कर रहा हूँ सुपर एमोलेड, यहाँ पर 20% ज़्यादा आपको यहाँ पे बैटरी एफिशिएंट मिलता है। मतलब बैटरी कंजम्पशन भी बहुत ही कम यहाँ पर होता है इन कंपैरिजन टू जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं अभी तक, जितने भी डिस्प्ले की क्वालिटीज़ एंड्रॉयड में यूज़ हुआ है सुपर एमोलेड सबसे ऊपर अभी तक माना जाता है। वहीं अगर आपको हम बता दें 80% ये ज़्यादा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ सनलाइट। अब जैसे सनलाइट में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है IPS LCD में, एमोलेड में भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन सुपर एमोलेड में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो ब्राइटर सनी लाइट में भी अगर आप लेकर के अपने फ़ोन्स को निकलते हैं तो वहाँ पर भी व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ही शानदार होने वाला है, व्यूइंग आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो ये डिफरेंस है एमोलेड और सुपर एमोलेड में। अब इसके हिसाब से अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर उसी बजट सेगमेंट में एमोलेड भी अवेलेबल और सुपर एमोलेड भी, तो आपको दोनों में से कौन सा जाना चाहिए, आपकी चॉइस क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मुझे पता है आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, थोड़ा और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोज़ को पहुँचाइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो ऐसे बने रहिए, प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।